स्पेन की कर्तबा यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले पाकिस्तानी तालिबिल में अवैस अहमद हराल जो कि दुनिया के टॉप 2 साइंसदानों में शामिल होकर पहले पाकिस्तानी बन गए हैं और अवैस पाकिस्तान के फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से शुरू होने वाली अपनी पीएचडी के सफ़र के दौरान यह एजाज़ हासिल करने वाले वाहिद पाकिस्तानी तालिबिल्म हैं और अपने करियर के दौरान अवैस अहमद हराल ने 100 से ज़ायद साइंसी मकाले तंसीफ किए हैं जिनकी मजमू असरात 1000 से ज़ायद हैं। इसके अलावा उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के शोबे में 9 साइंसी किताबों के एडिटर के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। 2023 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री में रुकनियत से नवाजा गया। 2021 में उन्हें सऊदी केमिकल सोसाइटी से यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है। तो जनाब क्या ही बात है हमारे अवैस अहमद हराल साहब की, जो कि यंग साइंटिस्ट हैं, तो उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया अवैस आपके वक्त का, वेलकम टू आवर शो। आप इस कामयाबी को कैसे देखते हैं? आपको टॉप 2 साइंसदानों में शुमार किया गया है, इस कामयाबी पर कुछ लबकुशाई कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया था कि मैं अपनी अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकूं। ये जितनी भी अचीवमेंट्स आपने एक्सप्लेन की, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू डेडिकेट दिस टू माय पेरेंट्स मिस्टर मोहम्मद असलम हरल एंड माय मदर लजवाई, एंड इसके साथ एक मेरे मेंटर जो कि डॉक्टर इकराम थे थ्रू आउट माय करियर, जो अभी भी मेरे साथ हैं, आई वुड आल्सो लाइक टू डेडिकेट हिम एज वेल एज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जिसने मुझे पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसकी बेस पे मैं अपने आप को इस तरह की अचीवमेंट्स की तरफ लेके आना शुरू हो गया, जिसमें डॉक्टर आरिफ नज़ीर शामिल थे, डॉक्टर उमर यूनस, डॉक्टर परवेज और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टी, जो कि मेरे साथ बहुत ही कॉम्पिटेंट भी थी और कोऑपरेटिव भी थी। तो उसके साथ फिर यूरोप का सफ़र और यूरोप की तालीम और उनकी अचीवमेंट्स, और वो फिर साथ साथ चीज़ें ऐड होती गई, और एट द एंड आई गेन दिस अवार्ड एज 2% साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग माई PhD। ज़बरदस्त। अच्छा वैस कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं, मतलब ठीक है आपका रुझान तो इस तरफ हुआ, सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये सफ़र स्टार्ट हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी लंबी रेस का भी घोड़ा हूँ। लाइक जब स्टार्ट हुआ था तो पहले 2 से 3 साल इतने टफ थे इन रिसर्च के, हमें लग रहा था कि हम कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, ऐसी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है कि आपने गिव अप नहीं करना। हमारे आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो गिव अप कर देते हैं, तो खैर हमने वहाँ पे गिव अप नहीं किया और अपने काम को कंटिन्यू रखा, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट इवन बिलीविंग दैट। और जब ये अवार्ड रिकोगनाइज हुआ, जब ये लिस्ट रिकोगनाइज हुई, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजी कि आपका नाम इस लिस्ट में आया है, तो मैंने उसे कहा नो वे विल बी अल्लाह। तो फिर उसने मुझे लिस्ट भेजी और फिर मैंने चेक किया लिस्ट को खुद भी, तो आई वॉज लिटल सरप्राइज्ड। और लाइक इसमें हर चीज इन्वॉल्व होती है, आपके माँ बाप की दुआएं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बेशक जिसकी बेस पे आप किसी भी मुकाम पे जब भी पहुंचते हैं, तो उसमें आई थिंक सो सबसे बड़ा करिकुलम ये होता है कि आपके माँ बाप आपके लिए उस, वैसे तो हर माँ या बाप अपने बेटे या बेटी के लिए सक्सेस ही मांग रहा होता है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक दुआएं होती हैं या किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए होती हैं वो बड़ा मैटर करती हैं, जब वो एक उनकी दिल से निकलती हैं तो आई थिंक सो वो अर्श को भी हिला देती हैं। तो नो डाउट मेरे साथ मेरे माँ और बाप की दुआएं मौजूद भी थी और उनका करिकुलम मौजूद था, और इसीलिए हर जो सक्सेस है वो शायद मेरी है ही नहीं, वो उनकी ही है, उनको ही डेडिकेटेड है। जबरदस्त। अच्छा मुझे अवैस बताएगा, ये नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें आपने 9 किताबें लिखी हैं, इसके बारे में बताएगा कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है, और ये फार्मूला जो ईजाद हुआ, जो पानी को काबिल इस्तेमाल बनाकर पीने का पानी बनाने का फार्मूला भी ईजाद किया, आम लोग इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं? जी सबसे पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है कि नैनो का मतलब एक्चुअली में 9 है। अगर हम हमारे बच्चों को, एक तो ये है कि हमारे बच्चों को आज तक अपडेटेड बुक्स दी ही नहीं गई, तो नैनो केमिस्ट्री या नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में इनडायरेक्टली एक एडवांसमेंट है। आप इस वक्त फोन यूज़ कर रहे हैं, आप इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी, उसकी बेस, उसकी डेवलपमेंट सारी नैनो टेक्नोलॉजी है।
अगर आप देखें तो पहले कंप्यूटर्स आई थिंक सो एक कमरे का होता था, आज वही कंप्यूटर इन योर पॉकेट है। तो इन चीज़ों को, यानी कि चीज़ों को छोटा करके और ज़्यादा अफादियत वाला बना देना, इसको नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी फिर आ गई एनर्जी पे, जैसे कि इस साल नोबेल प्राइज भी केमिस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी को मिला, क्वांटम डॉट्स पे। तो नैनो टेक्नोलॉजी और उसके एडवांसमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सुपर कैपेसिटर्स, ये एक्चुअली मेरी फील्ड है। इस रिसर्च वर्क पे मैं काम कर रहा हूँ। जो वेस्ट वाटर का काम है, अब जैसा कि हमारा एक्चुअली पाकिस्तान में दो ही तो मेन प्रॉब्लम्स है, एक पोल्यूशन का प्रॉब्लम है और दूसरा जो है हमारी लोड शेडिंग, हमारी एनर्जी कंजप्शन और हमारी एनर्जी डिमांड। वो अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विया नैनो टेक्नोलॉजी या एनर्जी विया नैनो टेक्नोलॉजी, ये वर्क था। और मेन उसका पॉइंट यही था कि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे एग्रीकल्चर के यूज़ के तौर पे बना सकते हैं। मीन्स हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी गंदा था उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट के तौर पे कैसे ला सकते हैं। लेकिन फिर हम उसके ऊपर काम करते रहे एंड एट द एंड वी गेट इट कि हम उसको पीने के काबिल भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बलोचिस्तान और सिंध में इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि वाटर के ऊपर। अच्छा मवैस, जैसे कि आप यूरोप के एक कम उम्र तरीन पाकिस्तानी साइंसदान हैं और वो लोग जो कि केमिस्ट्री से लगाव रखते हैं, मैं चाहूँगी उनके लिए आप ज़रूर कोई ऐसा मशवरा दें जो उनके किसी काम आए, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू से दैट के माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, फरमा बरदारी करें, उनकी दुआएं लेते रहें। सेकेंडली, आपके टीचर्स एक्चुअली में जो हमने पढ़ा हुआ था रूहानी बाप की हैसियत होते हैं, एक्चुअली में वो हैं अगर आप उनको ऐसे ट्रीट करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ आज टीचर टीचर नहीं रहा और आज स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं रहा। स्टूडेंट अपने फायदे देखता है, टीचर अपने फायदे देखता है और एजुकेशन को बना दिया बिजनेस। सही है, अगर दोनों साइड्स इक्वली तौर पे कंट्रीब्यूट करेंगी तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकती हैं। लेकिन उसमें फिर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और मोटिवेशन की जरूरत उनको होती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। गोल्स बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए आपके कि आपने ये करना है। गोल्स बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन होगा तो कामयाबी मिलेगी, कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तरक्की करते रहे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।